हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 500 क्वेश्चंस की सीरीज़, और सीरीज़ किसकी है? साइंस के क्वेश्चंस की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, आपका पूरा कंटेंट रिवाइज होने वाला है, साथ ही साथ आप क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर एग्जाम्स में पूछता है, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ये रहने वाली है कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूंगी, उसके साथ जितना कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ हर एक ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करूंगी, तो जिससे कि वो कोई भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आएगा तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ मेरा कंटेंट जो होगा वो बायलिंगुअल होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आने वाले वीडियोस में दे दूंगी। साथ ही साथ मेरा जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस नए क्वेश्चंस साथ में मिला के मैं लेके चल रही हूँ, साथ साथ मिला के, और ये महामैराथन क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा, पूरी अटेंड करिएगा, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा अपनी कॉपीज़ में, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो को ज़्यादा और एक्सटेंड ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं और क्वेश्चन। तो ये हमारे 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें कि टारगेटेड एग्जाम है BPSC, EMRS और CTET, महामैराथन है ये। आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट के क्वेश्चन पे आप जब पहुंचेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप अब और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कॉइन, फेदर एंड अ ब्रिक आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली इन अ वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द सिचुएशन। एक सिक्का, पंख और ब्रिक, ईट को अगर एक साथ फेंका जा रहा है कहाँ पे? वैक्यूम में। और वैक्यूम में कैसा है, एक मान लो जार है और उस जार में क्या है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है और तीनों को एक साथ फेंक दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसका? BPSC एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या था। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं कि पहला ऑप्शन है कि फेदर, ब्रिक, पंख है, ईट है, ये फेदर एंड ब्रिक विल रीच द बॉटम बिफोर द क्वाइन, मतलब फेदर और ब्रिक जो है वो पहले आ जाएगा क्वाइन से। दूसरे में है क्वाइन विल रीच द बॉटम, क्वाइन पहले आ जाएगा ब्रिक और फेदर से। या तीसरे ऑप्शन में है कि तीनों जो है साथ में आएंगे, कि आप एक से ज्यादा उत्तर है इस क्वेश्चन का या कोई भी उत्तर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसका ऐसा उत्तर क्यों हुआ। तो आप ये दो जार देख रहे हैं, पहला जार है, पहले जार में क्या है, एयर फिल्ड ट्यूब है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, ये वैक्यूम वाला ट्यूब है, मतलब इसमें जरा भी एयर नहीं है। अब देखो पहली चीज कि एयर प्रेजेंट है, इसका मतलब अब जिसमें इसमें अगर फेदर और ब्रिक इसको डाला जा रहा है तो ये अपने वेट के हिसाब से गिरेगा, जितना जिसका ज्यादा वेट होगा वो उतनी फास्ट उतनी तेजी से गिरेगा नीचे, ठीक है। अब जो दूसरा वाला इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें कि एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक्ट कर रहा है, क्योंकि एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक साथ जो है नीचे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड, और पानी की जो जल वाष्प है हवा में उसको क्या कहते हैं। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं। सबसे पहला है मिस्ट, फॉग, ह्यूमिडिटी, या मोर देन अबव, या नन ऑफ दीज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। आइए समझते हैं कि ह्यूमिडिटी, मिस्ट, फॉग ये सब क्या होते हैं, इसको डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहला टर्म आया ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब वातावरण में कितना वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू, आपने पेड़ पौधों में देखा होगा जब सुबह के टाइम ऐसे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखते हैं सुबह के टाइम, और ऐसे अगर इसको उल्टा करेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, तो ये क्या है, ये ड्यू है।
When moisture is deposited in the form of water droplets on a cooler surface of solid objects such as stones, glass plates and leaves, it is known as dew. Next है fog. Fog क्या होता है? Fog, mist और haze. ये तीनों terms जो होते हैं बहुत ज़्यादा similar हैं और बहुत confusing होते हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं haze. Haze क्या है? Haze pollution की वजह से होता है. आपने दिल्ली में pollution सुना होगा या news में सुनते हैं. तो वहां पे क्या है, विजिबिलिटी नहीं है, कोई देख नहीं पाता है. क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि वहां प्रेजेंट है हेज. हेज क्या है? इट इज एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इन विच डस्ट, स्मोक एंड अदर ड्राई पार्टिकुलेट सस्पेंडेड इन एयर ऑब्स्क्योर विजिबिलिटी. ये किसकी वजह से होता है? ये होता है डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से और डिफरेंट पॉल्यूशंस की, पॉल्यूटेंट्स की वजह से ये हेज जो है वो हो जाता है. तो हेज कहाँ होता है? पॉल्यूटेड एरिया में होता है. नेक्स्ट आता है फॉग. फॉग क्या है? फॉग आपने ठंडी के सीजन में देखा होगा. तो क्या है? एक क्लाउड है. किसका? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो कि कहाँ रहता है? ग्राउंड लेवल पे रहता है और इसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. नेक्स्ट आता है मिस्ट. मिस्ट क्या है? इट इज कॉज्ड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन कोल्ड एयर, यूजली बाय कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की प्रक्रिया से मिस्ट जो है वो हो जाता है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट. कौन सा हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं और कौन से हमारे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस बार मान लीजिए आपसे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट पूछ लिया, अगली बार आपसे प्राइमरी पूछ लें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन. तो चलिए और इस सेशन में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको जाकर ये समझ में आएगा कि आपका कितना कंटेंट प्रिपेयर हो गया है. और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये खास टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स और ईएमआरएस एग्जाम्स के लिए. तो आप इन सेशन से रोज जुड़िएगा. डेली मैं आपको एक वीडियो 10 से 11 बजे के बीच में मॉर्निंग में पोस्ट करूंगी. आप डेली इससे जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए. चलिए क्वेश्चंस की तरफ वापस चलते हैं. तो पहले ऑक्साइड ऑफ सल्वर, फिर है ग्राउंड लेवल ओजोन, नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मोर देन द अबव या नन ऑफ दिस. तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल ओजोन. अब चलिए आइए सब चीज को समझ लेते हैं. सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मतलब जो वॉल्केनिस, जो चीज क्या है, डायरेक्ट निकल रही है, डायरेक्ट सोर्स है. कार का धुआं डायरेक्ट सोर्स, इंडस्ट्री का धुआं डायरेक्ट सोर्स, वॉल्केनो का धुआं डायरेक्ट सोर्स. तो ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं? ये सब कुछ गैसेस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, NO, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोस्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो ये सब क्या हो गए? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में. तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो गए? आपको इसमें नाम सब याद रखना जरूरी है. H2SO4, PAN, HNO3, H2O2, तो ये सब क्या हो गए? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. चलिए आइए प्रीवियस स्लाइड को देखते हैं. अब सबसे पहली बात आती है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स. ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलते हैं और ये रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर रेडिएशन रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में. कैसे? बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से और सनलाइट से ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? सेकेंडरी. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? आपका पैन और ओजोन, ठीक है. पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि पैन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो आप बताएंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. अब जान लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, क्योंकि ये भी हमारा ऑप्शन में एक वर्ड था. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का दूसरा नाम होता है फ्रेयॉन्स. फ्रेयॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एसी में प्रेजेंट होते हैं. तो ये यूज एज अ रेफ्रिजरेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स. अब इनका एक नॉर्मल लेवल पे प्रेजेंट होना टॉक्सिक लेवल को बढ़ाता नहीं है. मतलब अगर ये लो लेवल, लो पोटेंशियल में प्रेजेंट है, अगर ये कम मात्रा में कम है ये,
तो ये कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, ये टॉक्सिसिटी नहीं कॉज कर रहे हैं। पर अगर इनका कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, तो क्या हो जाते हैं, ये टॉक्सिक बन जाते हैं। और ये क्या क्या कॉज करते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और मेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, एस्थमा हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो कॉज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब बात आई थी ओजोन की, तो हम एटमॉस्फेयर की लेयर से कैसे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हर बार आता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स। तो आपको यहाँ लेयर्स में बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या होती है, फर्स्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्ड है मेसोस्फेयर, फिर नेक्स्ट आ जाती है इसके बाद थर्मोस्फेयर, और उसके बाद आ जाती है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर लेयर जो है, इस लेयर में हमारी सैटेलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रोपोस्फेयर से, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है क्लाउड्स, क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाती है, अगर हॉट एयर बलून है, अगर जो बलून आपने पैराशूट वाला देखा है, तो ये पैराशूट भी कहाँ उड़ता है, ये भी आपका ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ता है, ठीक है। और इसके बाद आती है बात कि वॉल्केनो से अगर कोई धुआं निकला, तो वो भी कहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब सारा एटमोस्फेयर, वातावरण जो हमारा है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर भी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ट्रोपोस्फेयर में। ये लेयर क्या हो जाएगी, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर जो है वो ओजोन लेयर है। पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन कहाँ प्रेजेंट है, तो आप तब बताएंगे कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट, जो मिट्योर्स हैं, मिट्योर्स हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, क्लियर। और जो एग्जोस्फेयर है, वहां पे प्रेजेंट होता है हमारी सैटेलाइट्स वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन, फ्रॉम एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, ठीक है, एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है। पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिटी इज हाई, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई हो, जहाँ पे प्रेशर लो हो, वहाँ से लो से हाई की तरफ मूव करती है, या जहाँ पे प्रेशर हाई है और जहाँ प्रेशर लो है, मतलब हाई टू लो मूव करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेशर इज हाई टू रीजन वेयर प्रेशर इज लो। हमेशा जो है एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चलिए इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, इसको समझने से के लिए आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। सबसे पहली बात आती है दिन के समय, जब क्या हुआ, सूरज चाचा एकदम एक्टिव है और सबको गर्मी दे रहे हैं, तो क्या हो गया, लैंड जो है जल्दी गर्म हो गई, लैंड गर्म हो गई, तो यहाँ जो गर्म हवा है, यहाँ पे कैसी है हवा, गर्म हवा है, ठीक है। ये गर्म हवा क्या करेगी, ये ऊपर जाने लगेगी, कोई भी गर्म चीज क्या होती है, ऊपर बन जाती है ना, भाप बन के, तो ये ऊपर उड़ने लगी। अब ऊपर उड़ने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये जो एरिया नीचे का बचा, ये कैसा बचा, ये लो प्रेशर का एरिया बचा, क्योंकि यहाँ पे क्या स्पेस हो गई वैकेंट, तो ये एरिया क्या हो गया, लो हो गया। अब इसकी अपेक्षा अगर मैं इस सी को देखूं, सी में क्या हो गया, सी में यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्योंकि सारी हवा नीचे बैठी हुई है। अब हवा हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे हवा ज्यादा है, तो ट्रैवल कहाँ से कहाँ करेगी हवा इस सिचुएशन में, हाई टू लो, मतलब फ्रॉम सी टू लैंड मूव करेगी, ठीक है, कौन सी, फर्स्ट सिचुएशन में। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम सी टू लैंड मूव करी, ठीक है, ये क्या हो गया, ड्यूरिंग द डे हो गया। जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड दूसरी लग गई, हाँ, तो ये क्या हुई, हाई प्रेशर यहाँ था, लो प्रेशर यहाँ था, तो हवा हाई टू लो मूव करी यहाँ से यहाँ, तो सी टू लैंड मूव करी। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नाइट में हो जाएगा। नाइट में देखते हैं क्या हुआ, नाइट में अब जमीन जो है वो, जो लैंड है, ये जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है,
ठीक है। तो अब इस इन दोनों सिचुएशन में वन और टू को मैं कंपेयर करूं तो ये जल्दी ये लैंड जो है वो ठंडी है और ये सी वार्म है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या हवा मूव करेगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये इधर। तो अब यह इस सिचुएशन में रात में क्या हुआ, फ्रॉम लैंड टू जो है हवा वो सी की तरफ मूव करी। क्यों, आपको ये समझ में आ गया ना, क्योंकि हवा हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर अ शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन। हर बार क्या होता है जब क्या बरसात होती है तो उसके बाद रेनबो जो है वो दिखता है। तो अब कहाँ दिखता है, सन की तरफ दिखता है, सूरज की ओर, सूर्य के विपरीत, या एनीवेयर कहीं भी दिख जाता है, या इसका और जब ज्यादा ऑप्शन हो सकता है तो इसका उत्तर हो जाएगा अपोजिट टू द सन। तो चलिए आइए इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अ रेनबो इज अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना दैट इज कॉज्ड बाय, देखो तीन चीज होती है रेनबो कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से, जो कि वाटर के ड्रॉपलेट्स में हो जाता है। सनलाइट है, यहाँ पे आया डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन और इसकी वजह से दिखता है। चलिए हम आगे देखेंगे कि कैसे ये दिख रहा है प्रॉपर इमेज के साथ। रेनबो कॉज्ड बाय सनलाइट ऑलवेज अपीयर इन अ सेक्शन ऑफ स्काई डायरेक्टली अपोजिट टू द सन, मतलब अगर सन यहाँ है तो रेनबो क्या होगा, रेनबो इधर साइड दिखेगा, हमेशा उसके ऑपोजिट दिशा में हमेशा रेनबो दिखता है। चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहली बात आती है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपका रेनबो से रिलेटेड जो टॉप वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि क्या क्या थी, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन, इसको भी इधर क्लियर कर लेते हैं तो इससे कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट आई और सरफेस क्या है, ये मिरर है, कोई भी लाइट आई मिरर पे टकराई और मिरर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तो ये लाइट जो आती है ये इंसिडेंट लाइट होती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये कौन सी हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लगाएंगे तो एंगल आई हमेशा बराबर होता है किसके, एंगल आर के, ठीक है। ये क्या हो गया, एक और इसके बीच में प्रेजेंट होती है नॉर्मल, तो एंगल आई और एंगल आर जो है वो इसके हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बेंड हो जाना व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब देखते हैं इधर, मतलब अगर ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, इसका मतलब ये लाइट जो आ रही है और ये कहां से आ रही है, ये एयर है ऊपर से, और ये क्या है, ग्लास है, ग्लास का स्लैब है, ठीक है। तो इट बेंड्स, हमेशा बेंड करेगी, तो बेंड हो गई थोड़ी सी और फिर सीधी चली गई, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां लाइट आई और बेंड हो गई क्योंकि मीडियम उसका चेंज हुआ, और फिर ग्लास से एयर में वापस इधर बाहर एयर है तो फिर से मीडियम चेंज हुआ, फिर से वो बेंड हो गई, ठीक है। अब ये बेंडिंग क्यों होती है, इट इज कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द टू सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस के बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है उसकी वजह से जो है वो हमें लाइट जो है वो अलग से दिखती, बेंडिंग करती हुई दिखती है। इसका एक सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको एग्जाम से पूछा जाता है कि जो पेंसिल है वो थोड़ी सी उथली हुई क्यों लगती है, टेढ़ी क्यों दिखती है जब पानी के ग्लास में प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल है तो स्ट्रेट, आप इधर से इधर देखिए है तो स्ट्रेट, पर दिख रही है ऐसी थोड़ी तिरछी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया लग गई, यहाँ पे लग गई रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आइए अब डिस्पर्शन समझ लेते हैं। डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन अकर्स व्हेन व्हाइट लाइट इज सेपरेटेड इनटू कलर्स, ये व्हाइट लाइट जा रही है और ये क्या है, ये ग्लास का प्रिज्म है। द कलर्स दिस अकर्स बिकॉज लाइट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट। अब यहां से लाइट, यहां से व्हाइट लाइट गई, ये इसने क्या किया, डिफरेंट 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 लाइट्स में इसको डिस्पर्स कर दिया। अब ये अपनी फ्रीक्वेंसी तीन चीज पे डिपेंड करती है, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ और अपनी वेलोसिटी के हिसाब से इसका जो है डिस्पर्शन होता है हर लाइट का। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी लाइट कितनी ज्यादा डिस्पर्स होती है
और कौन सी कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रिज्म बना हुआ है और यहाँ से सनलाइट जो है वो एंटर करी, सनलाइट अ बीम ऑफ वाइट लाइट। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ये डिस्पर्स हो गई तो जो रेड लाइट है विब्योर हमारा फॉर्म हो गया। ये विब्योर आप देख सकते हैं, विब्योर है। तो जो रेड लाइट है ये लीस्ट डेविएटेड है, मतलब रेड लाइट सबसे कम डेविएट हुई, सबसे कम मतलब डेविएशन क्या होता है, ये सीधी जा रही है और ये डेविएट हो गई, नीचे मुड़ गई, तो ये डेविएशन हो गया। तो रेड लाइट क्या है, सबसे कम डेविएट हो रही है। और जो मैक्सिमम डेविएट कौन सी हो रही है, वॉयलेट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आता है, तो आप बता देंगे वॉयलेट। क्यों, आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि विब्योर हम लिखना स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ी तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसमें पूछा जाता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे ये चीज़, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। लास्ट तक सेशन में ज़रूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, आपको दो चीज़ें याद रखी हैं। क्या, पहली वेवलेंथ, जो रेड लाइट है, रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ में सबसे ज्यादा कौन हुआ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड लाइट की, और लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की। इसीलिए आपने देखा होगा कि दूर से लाल रंग जो है वो बहुत तेजी से चमकता है, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। क्लियर हो गया, जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीस्ट डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन से, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वेवलेंथ से, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी से। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स अनदर मीडियम। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि अगर लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तब क्या होता है लाइट का। इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इट्स वेवलेंथ चेंजेस, बोथ वन एंड टू, वन टू या मोर देन अबव। तो देखो, जब लाइट है, व्हाट, अगर ये लाइट है, एक मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, यहां से एक लाइट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एयर है प्रेजेंट, और ये क्या है, ये ग्लास का स्लैब है, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो जब लाइट एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब एयर टू ग्लास, अभी कहाँ उसे एंटर करना है, एयर टू ग्लास उसको एंटर करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज में चेंज होगी, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में परिवर्तन होगा, या तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, क्या चीज होगी। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, जो कि है ओनली टू हो जाएगा इसका उत्तर। क्यों, क्योंकि सिर्फ जो है वेवलेंथ में बदलाव आता है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। हमेशा याद रखना कि जब भी एयर से या कोई भी मीडियम, वन मीडियम टू अदर मीडियम में अगर चेंज हो रहा है, तो हमेशा वेवलेंथ जो है वो बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलिए आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाए, ये देखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब देखो, ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है, और नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है। लाइट यहां से यहां ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ जाती है। पर अगर डेंसर से रेयर आ रही है तो ये इधर अवे फ्रॉम द, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली जा रही है। अब दूसरी चीज ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये जो थ्योरीज मैं करा रही हूँ इसमें साथ साथ, ये भी बहुत मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज में काउंट होती है। क्यों, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि अगर रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में, तो इट्स बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट बेंड्स
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर पक्का इधर से। जस्ट अ सेकेंड, ये कहाँ चला गया मेरा। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूछी जाती है। तो एक तो क्वेश्चन का नंबर आपका इधर से पक्का हो गया, दूसरा कि अगर लाइट ट्रैवल कर रही है कहां से, रेयर डेंसर या डेंसर टू रेयर, तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों में से क्या क्या चीजों में बदलाव हो रहा है। तो देखो, वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है, पहली चीज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जब जब कहां से, जब रेयर टू डेंसर आ रहा है, जब यहां से यहां आ रहा है तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वेवलेंथ जो है ये भी डिक्रीज होती है। क्लियर हुआ? ये यहां से आपके दो, और ये वेव फ्रीक्वेंसी वाला और वेवलेंथ वाला, तो ये आपके चार इधर से जो है क्वेश्चंस तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप लास्ट तक सेशन से जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सबसे बड़ी बात है। चलिए साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स या ऑप्शन नंबर थ्री, ब्रायोफाइट्स या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें इसमें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। चलिए अब देखते हैं इसका। प्लांट्स, देखो प्लांट्स का जो कैटेगरेशन है, कैटेगराइज किया गया है उसको, एक तो प्लांट्स डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट्स बॉडी, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें लीव, स्टेम, रूट्स, वेस्कुलर बॉडीज, ये सब क्या है, प्रेजेंट नहीं है, और हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट्स बॉडीज, पहला डिफरेंशिएशन ये हो गया। ठीक है, अब देखो, विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज और विथ वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो जाइलम का काम होता है वाटर प्लस मिनरल्स को लेकर आना, कहां से, रूट से। फ्लोएम का काम क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, जाइलम का काम होता है क्या, वैस्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को लेके आना, कहां से, रूट से। और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम क्या, फूड, फ्लोएम और फ से फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर बॉडी में, पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में करना। क्लियर? चलिए अभी देखते हैं इधर, जो मेन चीज आपको याद रखनी है, इसमें याद रखनी है कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा, इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा के पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इन दोनों के पास क्या है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम कहाँ से स्टार्ट होता है, जाइलम फ्लोएम स्टार्ट होता है कहाँ से, टेरिडोफाइटा से। तो टेरिडोफाइटा से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, दूसरी चीज आती है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स जिनके पास सीड्स तो है, सीड्स है, प्लस कुछ में क्या है, नेकेड सीड्स है, मतलब उसमें कुछ कवर्ड नहीं है, और कुछ क्या है, सीड्स जो है वो कवर्ड है। तो जो कवर्ड सीड्स होती हैं वो एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, और जो नेकेड सीड्स होती हैं, खुली सीड्स होती हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हैव टू सीड्स विथ टू कॉटलिडन्स, हैव सीड्स विथ वन कॉट, डाइकॉट्स, मतलब आपने ऐसा राजमा देखा होगा। ठीक है, और मतलब ऐसे भी दो, कोई भी सीड्स जो कि दो में इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो आपको इसमें याद क्या करना है, इसमें याद करना है कि ब्रायोफाइटास जो होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं, दूसरी चीज जाइलम ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, तीसरी बात है टेरिडोफाइटास जो होते हैं इनके पास सीड्स नहीं होते हैं, चौथी बात फेनेरोगैम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सीड्स होते हैं, फेनेरोगैम्स फर्दर डिवाइड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं प्रॉपरली वेल डेवलप्ड जो होते हैं प्लांट्स होते हैं इनके पास, और जिम्नोस्पर्म्स भी जो
होते हैं वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, पर जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं, और इस जो एंजियोस्पर्म्स में सीड्स होती हैं क्लोज होती हैं, मतलब कवर्ड होती हैं। फिर नेक्स्ट डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ऐसे सीड्स जो कि दो में डिवाइड हो जाए इक्वली, और ऐसे सीड्स जो कि सिंगल रहे, तो ये क्या हो जाते हैं, मोनोकॉट्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है विद्युत क्षमता मापने में, तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्टमीटर। अब आइए समझ लेते हैं वोल्टमीटर के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो कंफर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम्स में, गवर्नमेंट के एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे बनता है। चलिए आइए फटाक से समझ लेते हैं, फिर हम वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात है, हम एक सर्किट को समझते हैं। ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड सर्किट क्यों बोला, क्योंकि इसमें बैटरी जो है वो लगी हुई है और सर्किट जो है वो चार्ज जो है मूव कर रहा है। चलो अभी देखो, एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टमीटर है, और ये वोल्टमीटर और ये अमीटर। तो वोल्टमीटर हमेशा क्या होता है, हमेशा पैरेलल में लगा होता है, ये याद रखने की चीज है। और अमीटर जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा होता है, ठीक है। ये पहली चीज, पहला एक नंबर की चीज, क्या जो एक नंबर देती है कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगा होता है और सीरीज में अमीटर लगा होता है। दूसरी चीज, वोल्टमीटर का क्या काम होता है, वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज करता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को नापने के लिए। मतलब अगर वोल्टमीटर का काम देखा जाए तो वोल्टमीटर का काम हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापना, किसमें, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापना। और क्या काम होता है, अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। अब अमीटर का क्या काम है, अमीटर का काम है करंट को नापना, ठीक है। वोल्टमीटर का काम था पोटेंशियल डिफरेंस को नाप रहा, अमीटर का नाम है इतना काम है करंट को नापना, और इसकी यूनिट हो जाती है, यू है एम्पियर। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं गैल्वन। फिर देखिए इसके बाद, अमीटर इज कनेक्टेड टू सीरीज विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, हमेशा इसको सीरीज में रखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट पर एक्सीलेंस, दिस डिवाइस इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट्स टू नो। देखो गैल्वेनोमीटर, अमीटर भी करंट मापता है और गैल्वेनोमीटर भी करंट मापता है, पर दोनों में डिफरेंस भी है, अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का काम करंट के लिए है, पर एक क्या करता है, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और एक क्या बताता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो देखो गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, दिस डिवाइस इज यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू नो एंड मेजर द इंटेंसिटी, मतलब कितनी इंटेंसिटी का करंट आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर में एक डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो आप बता देंगे क्या, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाती है कि आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वी से आप समझ सकते हैं, वी मतलब दो चीज इधर और इधर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होनी चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस, स्पीड,
टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, इसमें सब में क्या है कि आपको कहीं भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही कि कौन सी दिशा में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कौन सी दिशा में नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट की जहां बात आएगी वहां आपको दिशा की भी जरूरत हो जाएगी, मतलब आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन, फोर्स की भी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, फ्रिक्शन, इम्पल्स, ये सब क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटीज हो गए, और स्केलर क्वांटिटीज में डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। तो ये सब क्या होगा, ये सब हो गए आपके स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज। अब एक स्केलर क्वांटिटीज इस चार्ट में जो बच रही थी वो क्या थी, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में ईएमआरएस में देखा है, ये क्वेश्चन मैंने एसएससी में देखा है, ये क्वेश्चन मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द बैंक जो एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स तो नहीं मैं बोलूँगी, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स मैंने ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला क्वेश्चन जो है मैंने देखा है, इवन यूपीटेट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन पुशेस मोर वेट ऑन, अब एक ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, और ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि बीपीएससी ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। जो अगर चैनल पर नया हो अभी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ये महामैराथन क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, रोज मिलेंगी, विद कॉन्सेप्ट, विद थ्योरी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रहेगा, तो आप सबको फायदा मिलेगा। आप इस सीरीज से जरूर जुड़िए, आपकी लास्ट में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए, अ मैन पुशेस मोर वेट ऑन, एक आदमी अधिक वजन डालता है कहाँ पे, जब वो बैठी हुई पोजीशन पे रहे, जब वो खड़ी पोजीशन पे रहे, जब वो लाइंग पोजीशन पे रहे, या जब वो मतलब ऑप्शन एक से ज्यादा या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जब एक आदमी खड़ी पोजीशन पे, जब एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसका ज्यादा वेट आ रहा है किस पे, व अर्थ के ऊपर। अब देखो इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा कि नेल कैसी होती है, ऊपर से ऐसी और इधर से जहां से वॉल में जानी है, तो ये क्या होता है, एकदम नुकीला होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका एरिया क्या कर दिया, इसका एरिया क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसकी वजह से सारा प्रेशर किसके ऊपर जाएगा, इस एरिया के ऊपर सारा प्रेशर जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। अ मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट स्टैंडिंग पोजिशन व्हेन देयर्स मोर एरिया, जब ज्यादा एरिया होता है, लोड्स आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इक्वली। अगर कोई आदमी लेटा हुआ है तो उसका जो भार है वो इक्वली पूरे अर्थ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पर अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका वेट कहाँ पे, सिर्फ इसी पोजीशन पे उसका वेट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, तो ये आपका एक तरह से वापस से एक टेस्ट है। बीच में मैंने क्वेश्चन डाला है, अभी आपने प्रिज्म पढ़ा था, तो प्रिज्म में क्या पढ़ा था कि जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा क्या करती है, डेविएट करती है, और रेड लाइट क्या थी, वो लीस्ट डेविएटेड थी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, वॉयलेट लाइट। देखो फिर से देख लो एक बार जल्दी से कि जो ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज निकली, कौन सी, वाइट बीम आई और इसने प्रिज्म में क्या करा, डिस्पर्शन कर दिया, और डिस्पर्शन की वजह से क्या हो गया, ऊपर जो है लीस्ट डेविएशन है और नीचे क्या है, मैक्सिमम डेविएशन है। तो लीस्ट डेविएशन रेड लाइट का, वॉयलेट लाइट का सबसे ज्यादा डेविएशन, ठीक है। वॉयलेट कलर हैज मिनिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7, अब इसमें पूछा क्या गया है, पीएच पूछा गया है, तो पीएच का स्केल हमेशा 0 से लेके कितना रहता है, 14 में। यहां पे क्या हो जाएगा, एसिडिक, और यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिक, मोस्ट बेसिक, और बीच में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना, ये पीएच का स्केल रहता है। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, वेनेगर भी क्या होता है, ये भी एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा का जो होता है पीएच 7.4 होता है लगभग,
तो इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा, जिसका मोर 7 से ज्यादा पीएच है उसका, तो किसका है ये? ब्लड प्लाज्मा का है। तो आइए चलिए पीएच का स्केल देख लेते हैं। ये रहा, जो इधर क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक हो गया, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक हो गया, ठीक है। इधर बीच वाला क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये क्या हो गया, एल्कलाइन मतलब बेसिक हो गया, ठीक। अब आपको एग्जाम में क्या याद, क्या क्या याद रखना है, तो ये अभी आप चलिए फटाक से देख लीजिए। तो न्यूट्रल में क्या हो गया, वाटर का पीएच जो होता है वो 7 होता है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक। अब 7.4 ब्लड का पीएच कितना हो जाएगा, 7.4। इसमें से जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बैटरी का पीएच जो है वो हाईली एसिडिक होती है, ठीक है। स्टमक, फिर जो टोमेटो जो होता है वो भी एसिडिक होता है। कॉफ़ी इज ऑल्सो एसिडिक, मिल्क इज ऑल्सो एसिडिक। तो मिल्क का क्वेश्चन होता है कि मिल्क एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है कि बेसिक होता है, तो मिल्क इज ऑल्सो एसिडिक। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने वन लाइनर्स जो है वो कलेक्ट किए हैं, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से है। तो देखो, ग्रास जो घास होती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये एग्जाम्स में पूछा गया। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितने भी एसिड से आए थे ये मैंने एक साथ लिख दिया है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप लास्ट तक जरूर इसमें चैनल ये वीडियोज को देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ग्रास में, घास में कौन सा एसिड होता है, घास में प्रेजेंट होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड इज यूज एज अ स्टेन रिमूवर, ठीक। नाइट्रिक एसिड हैज बीन यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। बोरिक एसिड इज यूज फॉर आई वॉशिंग, बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेटिव एजेंट, ठीक है। पीएच ऑफ एसिड रेन एनसीईआरटी का कितना होता है, 5.6 के अराउंड होता है। नेक्स्ट क्या है, पीएच ऑफ टूथ डिके 5.5, ठीक है। फिर H2SO4 इज किंग ऑफ ऑल एसिड्स। तो ये क्या है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एसिड्स, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको आप प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और टेबल आ जाती है हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल में है ये भी गिनती, क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी की टेबल है और इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। अभी हमने प्रीवियसली भी ऑक्सैलिक एसिड देखा था कि ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे यूज हो रहा है, स्टेन रिमूवर में, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अब देखो, वेनेगर में कौन सा एसिड है, वेनेगर में एसिडिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, ठीक। लेमन में सिट्रिक एसिड, तो ऑरेंज ऑरेंज जैसा दिखा तो वो सिट्रिक एसिड हो गया। वेनेगर में एसिडिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक, टी से टी, ठीक है। टोमेटो का ओ और ऑक्सैलिक का ओ, तो ये क्या हो गया, सेम सेम हो गया। तो टोमेटो ओ, टो टो, ऑक्सैलिक का ओ। सोर मिल्कल में लैक्टिक एसिड, फिर वो जो एंट कोई भी कीड़ा काट लेता है तो उसमें कौन सा एसिड वो प्रोड्यूस करता है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एग्जाम में पूछा गया था, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है HCOOH, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, आपको सारे दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में, आपको छांटना रहेगा। तो आपको ये सारे जो हैं एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, HClO4, HCl, ठीक, HBr, HI, HNO3। तो ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और इधर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये आपको एग्जाम्पल्स जो है वो याद रहने चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई इज, एक नॉर्मल आई की कितनी फोकल लेंथ होती है। तो ये जो देखो, ये क्या हो गया, ये आई लेंस है, ये आपको दिख रहा है, ये आई लेंस है, ठीक। अब इसके पीछे क्या होता है, आई लेंस के पीछे ही रेटिना होता है, इसके इधर से निकलेगी क्या, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक। आगे आयरिस, आयरिस क्या होती है, आयरिस बताती है हमारी कलर पोर्शन ऑफ आईज, मतलब किसी की आईज का कौन सा कलर है, ठीक है। वो कौन डिटरमाइन करता है, वो बताता कौन है, वो कौन बताता है, वो आयरिस बताती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। फिर आई और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, जो फोकल लेंथ होती है, वो क्या हो जाती है, वो 2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई इज 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम? तो क्या बनता है, इसमें बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसकी पूरी रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन को इसे रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अब देखो, साथ ही साथ आपको इसके याद रखनी है क्या बातें, कुछ बातें और याद रखनी है, छोटी छोटी मगर बहुत अच्छी और मोटी बातें। वो क्या है मोटी बातें, कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो है एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा है। देखो, जहां धोने की बात आई, मतलब पानी आया, पानी आया तो ज्यादा 10H2O वाला जरूरत है, तो इसलिए वॉशिंग सोडा हो गया। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या हो गया, ये बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। और क्विक लाइम CaO। तो ये सब फॉर्मुलेज भी आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। वह प्रक्रिया जहां माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण होता है, उसे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेरिडिटी, ठीक है, अनुवांशिकता। चलिए, इसमें तो कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां तक आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताए हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें कैसे याद रखनी है। और आगे ही मैं और सेशन इसको लंबा करूंगी। तो आज ही मेरा इस सेशन का पहला वीडियो था, तो शायद 40 से 45 मिनट का रहा होगा। आप इसको देख लीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिएगा, तो आगे और भी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।